आदि में जैसे स्वीकृत करेंगे और उसका आकलन बनाने के लिए उन्होंने PW विभाग को भेजा है। आकलन बन करके इसी महीने पहुंच जाएगा, अक्टूबर के महीने में PFC होकर के मंत्रिमंडल में जाएगा, क्योंकि 400 करोड़ का है। आपसे सबके सामने हम पुनः अनुरोध करते हैं कि आपका आशीर्वाद इस पुल के लिए हमें मिल जाएगा तो हमारा ये पुल जरूर पास हो जाएगा। और सबसे बड़ी इस क्षेत्र की मांग है, हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाई नहीं है, एक बुढ़वल मिल थी जिसको सपा बसपा सरकारों ने बेच लिया है, मगर हमारा योगी जी का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र पर है। हमारे चुनाव में आए थे, उन्होंने कहा था जो सरकारें मिल बेच रही है हमारी सरकार बनी तो मिल चलवाएंगे। हमने उनसे अनुरोध किया है, उन्होंने बुढ़वल मिल के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। माननीय मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि हमसे अधिकारियों ने कहा है कि 100 करोड़ रुपये हमको चाहिए चलाने के लिए, तो सरकारी मिल चल जाएगी। महाराज जी से आप भी अनुरोध कर देंगे हमारे तरफ से, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस क्षेत्र के विकास के लिए, वरना विकास इधर नहीं हो पा रहा है। बाराबंकी के बाद रामनगर विधानसभा विकास से कोसों दूर है, जिसके पूर्व मिल चल जाने से हमको पूरी आशा है कि 2021 में महाराज जी आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ क्या उपदेश था? यहाँ यहाँ ITI कांच सिलान्यास हो रहा है और इस क्षेत्र के लिए यहाँ के बच्चे तो ट्रेनिंग करेंगे जाएंगे, तो केवल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इस बात का भी संकेत है कि इस क्षेत्र में उद्योग खड़े वाले यही ट्रेनिंग किए हुए बच्चे इन्हीं सब के छोटे उद्योग लगाएंगे, जिन उद्योगों के लिए हमको बाहर मोबाइल देना पड़ता था वो सारे काम इन बच्चों को यही मिलता है। मंदिर जी, रामनगर क्षेत्र है पर्यटक के हिसाब से बहुत बड़ा क्षेत्र है और महादेवा है, पाजा पेड़ है, लेकिन अभी विधायक जी कह रहे थे कभी पीछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था 2022 तक के हम मिल चालू करवा देंगे, जिससे हजारों लोग इस पर नौकरी पा जाएंगे। अभी तक ये मिल चालू नहीं हो पाई है, इस पर आप लोग क्या, क्योंकि आप भी पहले चले जाएंगे। आपने जो विषय बताया है आपको इस बात के लिए साधुवाद, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, मिल के लिए सारा प्रोसेस शुरू हो गया है, बहुत जल्दी मिल शुरू हो जाएगी, ये भाजपा का संकल्प है, इसमें कोई हो रहा है। और जहाँ महादेवा का जब बगल में भगवान राम आके विराजमान हुए और केवल भारत नहीं सारी दुनिया में उसकी चर्चा हो गई और 5-स्टार होटल 12 वहाँ नहीं रुक पाएंगे, यहाँ रुकेंगे सोचेंगे कि दूर चलेंगे, और जब यहाँ रुकेंगे तो यहाँ के जो पर्यटक सूची बनाएंगे कि अयोध्या में कहाँ कहाँ दर्शन कराना है, उसमें वो इन तीनों स्थानों का भी नाम रखेंगे, यहाँ भी दर्शन कराना है, और इसलिए पर्यटन, इसलिए अपने आप पर्यटन के लिए। बिहार में आज मैनिफेस्टो जारी किया गया है, वहाँ पे बोला गया BJP ने कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और वैक्सीन जब भी कोरोना की आएगी हम फ्री देंगे, तो क्या UP में, आप एक गद्दावर में मंत्री भी हैं, क्या UP में भी ऐसी सुविधा UP वालों को भी मिलेगी, फ्री वैक्सीन मिलेगी? बिल्कुल, वैक्सीन फ्री मिलेगी और मिलेगी ही नहीं, अभी से ही उसकी रचना शुरू कर दी गई है। यदि वैक्सीन आ गई तो कैसे हम इनको गांव स्तर पर कैसे वितरण करेंगे, इसके लिए अभी से व्यक्ति तय होने लगे हैं, जो हमारे छोटी छोटी यूनिट्स हैं सेवा भवन में, उन सबको काम दिया गया है कि आप अपने गाँव की सूची बनाएंगे, जिन गाँव में आपको वैक्सीन लगाना है ले जाना है।